नीलामी के इंतजार में कराहल बस स्टैंड की दुकानें हुई खंडर। अधिकारियों की लापरवाही से बस स्टैंड की जमीन पर होने लगे हैं कब्जे। अब कलेक्टर से करेंगे शिकायत। खबर कराहल से है, जहां कराहल स्थित सुभाष चंद्र बोस बस स्टैंड को बने हुए विगत 3 साल बीत चुके हैं। हर वर्ग के व्यक्ति को दुकान मिल सके, इस उद्देश्य से 15 दुकानों का निर्माण भी करवाया गया। दुकान निर्माण में पंचायत द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। इतने घटिया निर्माण का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 साल में ही सभी दुकानें जर्जर हो गई हैं। बारिश में दुकानों की छत टपकती है, फर्श उखड़ने लगे हैं। इन सब के बावजूद 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन दुकानों को नीलाम नहीं किया गया है। दुकान खरीदने के इच्छुक लोग बताते हैं कि अधिकारी कहीं ना कहीं रिश्वत और प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते दुकान नीलाम नहीं कर पा रहे हैं। जब कभी नीलामी के नाम पर विज्ञप्ति निकाल देते हैं और महोदय द्वारा नियम ऐसे बना दिए जाते हैं कि गरीब लोग तो बस दुकान लेने की हिम्मत ही ना कर सके। बस स्टैंड में नवनिर्मित यात्री प्रतीक्षालय खुद अपने वजूद में आने की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसका निर्माण पूर्ण होगा और कब यात्री उसका उपयोग करेंगे। बस स्टैंड के अंदर गंदगी का आलम यह है कि अंदर बसें तक नहीं जा सकती, इस वजह से बसें मुख्य रोड पर ही खड़ी रहती हैं, जिससे जाम लगा रहता है। पंचायत द्वारा निर्मित सुलभ शौचालय भी गंदगी का अड्डा बना हुआ है, जिसका उपयोग आमजन नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से आए हुए यात्री परेशान होते रहते हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए ना तो पानी और ना ही बैठने की उचित व्यवस्था है। अब इस मामले में लोगों ने जिम्मेदारों की शिकायत कलेक्टर संजय कुमार से करने की बात कही। वहीं कराहल जनपद सीईओ ने कहा कि आचार संहिता अब हट चुकी है, 15 दिवस में दुकानें नीलाम करवाई जाएंगी। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गिरिराज। गिरिराज जी, क्या परेशानी आ रही है, दुकानों को नीलाम नहीं हो पा रही है, आप बता रहे हैं? परेशानी तो प्रशासन और शासन जाने, लेकिन हम लोगों को बातों में दे के उलझा रखा है 2 साल से। ना तो प्लॉट में अपना मकान बना पा रहे इन दुकानों के चक्कर में, ना ये दुकान हो पाई आज तक। 3 बार विज्ञप्ति निकल गई, 3 बार नाकाम करके आगे बढ़ा देते हैं, तारीख दे देते हैं। इनका जब सही मीटिंग क्यों नहीं लेते प्रशासन, जो भी है उसमें भ्रष्ट अधिकारी हैं, पूरा तरीके से विज्ञप्ति बना है। तो आपने ये दुकानों खरीदने के लिए कब आवेदन किया था? जी, मैंने 20 में किया था, लॉकडाउन के बाद। क्या परेशानियां इसमें आ रही हैं जो दुकान नीलाम नहीं हो पा रही है? दुकान नीलाम मुझे तो ये लगता है कि इसमें रिश्वत वाला मामला चल रहा है, कोई रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए दुकानों को आगे से आगे टाल दी थी। दुकान की क्या गुणवत्ता है, कैसी क्या दुकानें ये बनी? दुकानों का तो फोटो आगे कोई भी देखेगा तो इनमें गैया ढोर भी नहीं बैठेंगे, फिलहाल की स्थिति है जंगल खड़ा हुआ है। यानी दुकानों की निर्माण ठीक तरह से नहीं किया गया है? नहीं किया गया। अभी आप क्या चाहते हो, यदि दुकानें लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो? देखो, दुकान लेने के लिए तो हम एकदम तैयार हैं, लेकिन वो देंगे तब तो है। यदि ये दुकानों का कुछ समय में नहीं करते तो एक बार हम कलेक्टर साहब के पास जाते हैं। कार्रवाई थी क्या? हाँ, 1000 रुपये की रसीद काटी थी मेरी, चेक लिया था। आपका चेक भी लिया गया था? चेक लिया गया, आज भी जनपद के अंदर है मेरा चेक। मैंने 11 महीने तक खाते में पैसे पड़े रहे, पैसे उनने नहीं लिए मेरे। तो आपने ये बात अधिकारी को बताई तो उन्होंने क्या कहा? अधिकारी को मैंने 10 बार बताई है, पहले तो थे भटनागर साहब, इसके बाद जो सीईओ साहब आए हैं, बोले जब भी दुकान होंगी तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे क्या कि हर बार टाल देते, हर बार विज्ञप्ति निकलती है, हर बार ही ऐसा ही होता है। आपको रसीद दिए गए, रुपए वापस दिए गए? नहीं दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह जाटव है, मैं वार्ड क्रमांक 14 से मेंबर हूँ अभी वर्तमान में। राम सिंह जी, इन दुकानों को लेके बड़ी एक गफलत बनी हुई है कि इनको नीलाम नहीं किया जा रहा है, क्या मामला है? इसमें क्या है सर, हम लोगों ने पहले भी इनके लिए विज्ञप्ति निकली थी, आज से पहले ही, आज 7-8 महीने हो चुके हैं, और उससे पहले भी 2-3 बार निकल चुकी है विज्ञप्ति अभी तक। और ये लोग क्या है, अपनी मर्जी से इन दुकानों की नीलामी करना चाहते हैं, कि जो कि गलत है। उस समय पहले भी हमने इन पर आपत्ति ली थी, इन लोगों ने क्या है इसकी कीमत ज़्यादा रखी थी, जबकि इस हिसाब से ये दुकानें बनी नहीं है, क्योंकि इनकी 1,60,000 रुपये तक की लागत है, और इन लोगों ने शुरुआती पहले तो 5,000 रुपये एंट्री फीस रखी इन लोगों ने, तो वो 5,000 रुपये एंट्री फीस वापसी का कोई उसमें कॉलम नहीं है। दूसरी बात ये थी कि इनकी जो रेट थी भी ज़्यादा इसका वो इन्होंने मूल रखा है, 5,00,000 रुपये इन्होंने स्टार्टिंग फीस रखी है, उसके बाद में जो भी इसकी नीलामी लगेगी वो बात की बात है। पहली बात तो ये था कि जिन्होंने जो रोस्टर के हिसाब से जो दुकानें आवंटित होनी थी वो दुकानें आवंटित उस हिसाब से थी नहीं, क्योंकि SC की और ST के लिए कोई दुकान ज़्यादातर है नहीं, सब उन्होंने सामान कर। दूसरी बात इसमें यही कर दिया था इन लोगों ने कि अगर कोई SC ST वाला इन दुकानों नहीं लेता है तो ये जनरल हो जाएंगी, जो कि ये गलत था भाई। अगर नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले पा रहा है, वो कारण ये है कि वो पैसा ज़्यादा होगा, है ना। तो हमारा यही कहना था सीईओ साहब से
कि हमें मिला था सीओ साहब से जाके, मैंने उनसे बोला भी था सर मैंने कि गरीब आदमी इतना नहीं दे पाएगा, भाई हमारा मकसद है कि हम बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार दें और उस हिसाब से अपन इसकी कीमत रखें। इसके संबंध में इन्होंने मीटिंग भी रखी, एसडीएम साहब से भी हमने बोला था उस समय, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये यहाँ के जनपद सीओ हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और भी शायद मुझे लग रहा है कराल के ऐसे लोग हैं, कुछ दबंग लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मनमर्जी से इसे कराना चाह रहे हैं, तो वो तो इनमें कुछ करने के लायक है नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मैं खुद मिला हूँ उनसे जाके, मैंने उनसे कहा भी, उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें आपत्ति कहाँ है, मैंने कहा सर आप एक बात बताओ इतनी कीमत दोगे तो आपत्ति तो रहेगी मुझे, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से ही हूँ, मैं भी तो नहीं दे पाऊँगा। जब मान लीजिए हमारे भाई बंधु हैं वो कैसे ले पाएंगे इन दुकानों के लिए, सात सात आठ आठ लाख की इसकी बोली हो जाएगी। इसके बाद में हम लोगों ने इनसे कहा भी था तो इन्होंने सुनी नहीं, बोले आप तो ऐसे ही इसमें वो कर रहे हो। फिर अब तो मुझे तो यही लगता है कि हमें अब से इसके बारे में कलेक्टर साहब से ही जान सूचना दे के इसकी नीलामी करवानी पड़ेगी। इसके बाद में क्या है, और आप देख रहे हो इसमें जो इन्होंने जो बाउंड्री करवा दी है, इसके बाद में जो जगह बची हुई है इसकी एरिगेशन विभाग की है, इनकी भी है, इस पर लोगों के द्वारा दबंग लोगों के कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही पंचायत ध्यान दे रही है ना ही ये लोग दे रहे हैं। मैंने इनके खिलाफ इस जगह पर जो अतिक्रमण किया उसके खिलाफ आवेदन दे रखा है कोर्ट में चलते हुए, उसके बावजूद भी इन लोगों का कार्य निर्माण पर है, ये काम नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि इनकी मिली भगत है इसमें, सभी लोग एसडीएम तहसीलदार सब लोग मिले हुए हैं, ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ों पर। कहीं ना कहीं राम सिंह जी ये बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो इस पर रिश्वत की एक मांग, एक व्यक्ति ने बताई कि रिश्वत चाह रहे हैं इसलिए नीलामी नहीं हो पा रही है, ये बात थी? बिल्कुल आपने सही सुना है सर, क्योंकि मेरी भी बात हुई थी तो एक बंदे ने मुझसे ये कहा था कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, हम तो इनके लिए पैसे देकर सब कुछ करवा लेंगे, हमारे अधिकारी हैं और वो हमारी सुनेंगे। और जो वास्तव में सही भी है, मैंने क्या नाम लेते सरपंच साहब ने हमने आवेदन दिया उनके लिए जाके, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का मामला है। अगर कोर्ट का मामला है तो यथावत रखिए ना उसके लिए, आप यथावत क्यों नहीं रख रहे उसके लिए, जो हम लोग रुकी हुई है उस चीज़ के लिए, तो वो लोग निर्माण पर निर्माण करते जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि ये लोग उससे मिले हुए हैं, इन्होंने पैसा लिया है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, कलेक्टर साहब से स्टेशन अवगत कराएंगे उन्हें? बिल्कुल, हम तो अभी गए भी थे, अभी शुक्रवार का है तो कलेक्टर साहब क्या छुट्टी पे चले गए, आवेदन तो दिया है हम, अब देखते हैं कब तक कार्रवाई होती है, कलेक्टर साहब अभी छुट्टी पे हैं, जैसे ही वो आते हैं फिर दोबारा जाएंगे, पुनः जाएंगे। इस तरह से कबाड़ खाना के टाइम हुआ है, ये दुकानें पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ये कोई यूज करने लायक भी नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह नहीं चलता रहा तो ये दुकानें कोई नहीं ले पाएगा और शासन का पैसा व्यर्थ जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सवारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है पानी पीने की, नहीं पंचायत तो बता रही है ना लेटरिन बाथरूम बनाए हैं यहाँ पे, नहीं बता रही है कुछ मतलब की नहीं है, वो लेटरिन भर रही है। आप यहाँ परमानेंट रहते हैं, क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ की बहुत बुरी स्थिति हो रही है, आदमी पेशाब के लिए परेशान हो रहा है यहाँ। बता दें कि जनपद ने इसमें 30 लाख रुपए लगाए, उस 30 लाख का कोई उपयोग आप हो पाया इसमें? कोई उपयोग नहीं है। ओम प्रकाश जी क्या ड्राइवर है भैया, ये गाड़ी खड़ी हमारी और अंदर इतनी गंदगी है इसमें के जाने में बहुत दिक्कत आती है, मतलब लोगों को पानी पीने के लिए भी आदमी अंदर नहीं जा पाता है इसमें, इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पे, सब लोग आते हैं सब यहाँ पे लेटरिन बाथरूम, ये लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं इनमें भी आप अंदर टॉयलेट करने नहीं जा सकते, पूरी गंदगी भयंकर, साफ सफाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, पानी की सुविधा नहीं है, जो नल की टंकी लगी है उसमें भी पानी वानी कुछ नहीं है, टूटी वगैरह सब टूटी हुई है, और सवारी आती है सबको दिक्कत आती है पानी वानी की, तो इसकी सुविधा हो, यहाँ पे गंदगी फैला रखी चारों, देखो इधर देखो कितना कचरा हुआ है इधर, सब जगह ये सब्जी मंडी बना रखी है, सब्जी मंडी वालों को भी कुछ सुविधा दो, जब मैं जगह रोड पे सब दिक्कत। ओम प्रकाश जी आप जो गाड़ी अंदर नहीं ले जाते हो तो रोड पे तो जाम लगता होगा फिर गाड़ियों से? तो रोड पे जाम तो नहीं लगता, खैर हम साइड में जाम लगा हुआ है, देखो आप ये सब गाड़ी ट्रक वगैरह खड़े हैं सब रोड पे खड़े हैं, अंदर ले जाने में कौन ले जाएंगे, इधर देखो आप कितनी गंदगी हो रही है, पत्थर पड़े हैं जगह जगह पत्थर, इधर पानी निकल रहा है, गाड़ी घर जाके जाए परेशानी हो जाए हमारे लिए दिक्कत। बताया जाता है बस स्टैंड पे जो भी निर्माण हुआ उसका पूरा नहीं किया गया, अभी अंधाधूर है, ये शासन देना चाहिए जो तो काम हुआ पूरा करवाया, ये टीन सेट में मिट्टी डली है बहुत दिनों से, टीन सेट हो गए, बरसात निकल गई लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं है, सवारियों को आती बेचारी सब पानी में भींगी रहती है, अभी इसका जो मिट्टी डली है इसके अंदर शीट वगैरह जो भी काम हुआ वो अधूरा पड़ा है, इसको पूरा करवाए, ये जो भी काम अधूरा पड़ा है अगर वो पूरा नहीं होगा तो हम बस वाले यूनियन बना के पूरे और कलेक्टर साहब को आवेदन देंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गिरिराज वैष्णव है। मैं परेशानी आ रही है बस स्टैंड पर सर, यहाँ पर 3 साल से बन रहा है, बना हुआ है काफ़ी टाइम से बन गया, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत पानी की व्यवस्था नहीं है और गंदगी बहुत सारी फैली है यहाँ पर, और काफ़ी टाइम से यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई चीज़ की, ना जनपद की हो रही ना पंचायत की हो रही, काफ़ी टाइम से हमको परेशानी आ रही है यहाँ पर। प्रतीक्षालय अभी तक बना नहीं है? नहीं नहीं सर कुछ भी काफ़ी सर बना तो दिया पर यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं किसी का, इसको 3-4-5 महीने हो गए, कोई मोहरम डाली गई है पर मोहरम की व्यवस्था से ढंग से की नहीं गई, देखो वहाँ पर उधर ढेर लगा हुआ है उधर।
यानी आपका कुल मिला के कहना ये है कि व्यवस्थाओं के नाम पे पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, आधी अधूरी चीजें छोड़ दी गई। हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ। आप बस स्टैंड में बस अंदर ले जा पाते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल। आप देखो सर, बाहर खड़ी बस हमारी है, कोई यानी बस स्टैंड में अंदर जाने लायक जगह ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। गंदगी ना, चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली हुई है। अभी आप क्या कहना चाहते हो इस पे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था है उसको जल्दी से पूरा की जाए, और हमारी ताकि कोई वो परेशानी नहीं है, हमारा व्यवस्था बैठ जाए, बस बढ़िया ताकि खड़ी हो जाए। बस स्टैंड की नीलामी को लेकर सर कुछ लोग आज शिकायत कर रहे थे, तो क्या है सर, कब तक नीलामी हो जाएंगी इनकी? अभी आचार संहिता के चलते नीलामी नहीं कर पाए थे, आचार संहिता समाप्त हो गई है, अब जल्दी हम उसकी नीलामी करेंगे। कुछ लोग सर जो नियम कायदे की बात कर रहे हैं कि नियम कुछ कड़क बना दिए गए हैं जो गरीबों के हित में नहीं है, सर ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, नियम जितने भी हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का जो नीलामी वाला सेक्शन है उसी के अनुसार रखे गए हैं सारे नियम, और जो भी नियम होंगे वो सार्वजनिक रूप से होंगे, नीलामी भी सार्वजनिक रूप से की जाएगी। लगभग सर कब तक अब इनकी नीलामी का देखा जाए सर, कब तक हो सकती है? आगामी 15 दिवस में हम कोशिश करेंगे।